दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों मैदान में आते ही रोहित शर्मा ने अकेले मैच को खत्म करके रख दिया। चौके और छक्कों की बारिश से इस खिलाड़ी ने आज ऐसे रिकॉर्ड बना डाले जो पूरे विश्व में किसी ने नहीं बनाए। इनफैक्ट क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए रोहित ने आज इतिहास तक रच दिया है। रोहित की बल्लेबाजी से कैसे भारत पहले ही 10 ओवर के अंदर मैच जीत चुका था 90%, इनकी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित और बाबर आजम में बेहतर तूफानी बैट्समैन और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपने अक्सर वनडे में भारतीय खिलाड़ियों को T20 पारियां खेलते देखा होगा। सूर्य कुमार यादव इसीलिए फेमस है और कभी कभी विराट भी हाथ आजमा लेते हैं। लेकिन वनडे में T10 के रूप से कौन खेलता है, रोहित शर्मा। दोस्तों रोहित ने मैदान में उतरते ही आज मानो मुकाबले को अकेले खत्म करने की कसम खाई थी। ऐसी बल्लेबाजी करी, ऐसे ऐसे शॉट लगाए जो अफगानी खिलाड़ी तो छोड़िए भारतीय खिलाड़ियों ने भी अपने सपने में नहीं सोचे होंगे। दोस्तों रोहित शर्मा की पारी इतनी तेज तर्रार थी कि वनडे के 6 ओवर अभी पूरे हुए नहीं थे और हमारे 70 रन स्कोरबोर्ड पर लग गए थे। आपको बता दें दोस्तों, रोहित शर्मा ईशान किशन को लेकर इस बार भी मैदान में उतरते हैं और सामने हमारे कुछ ज्यादा खास बड़ा टारगेट था नहीं, 273 रन बनाने थे। दिल्ली की इस फ्लैट पिच पर जहां पर साउथ अफ्रीका ने हाल फिलहाल में हाईएस्ट स्कोर बनाया है, वहां पर भला रोहित तूफानी बल्लेबाजी कैसे न करते। आपको बता दें दोस्तों कि रोहित ने मैदान में आते ही सबसे पहले फजलक फारूकी को चौका चढ़ा। इसके बाद दोस्तों मुजीबुर रहमान का नंबर लगा, चौथे ओवर में उनको भी चौका मिला। और दोस्तों फिर पांचवें ओवर में फजलक फारूकी दोबारा से जब रोहित के सामने आए ना, तो इस बार वो उनका ब्रेकफास्ट बन चुके थे। इसी ओवर में दोस्तों एक और छक्का जड़कर रोहित ने अपने आप को रिकॉर्ड के और करीब ला दिया था और चौका भी लगाया और जाते जाते एक और चौका लगा दिया। पांचवें ओवर में 14 रन आ चुके थे लेकिन रोहित का तूफान थमने का नाम ले नहीं रहा था। दोस्तों रोहित शर्मा ने इसके बाद पारी के सातवें ओवर में फजलक फारूकी की फिर से धुनाई करी और सातवें ओवर में बैक टू बैक दो चौके जड़कर इसी ओवर में एक और छक्का ठोक दिया और पहुंच गए सीधा 29 गेंदों के अंदर 49 रन पर। दोस्तों रोहित शर्मा के तब तक 6 चौके व 2 छक्के हो चुके थे। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए ना कि 6 ओवर में 70 रन बनना कितनी बड़ी बात है अपने आप में। हर कोई रोहित का यह पुराना रूप देखकर दंग था, क्योंकि दोस्तों रोहित ऐसे ही तो खेलते हैं। और फिर बड़े स्टाइल में कोहली के नंबर वन दुश्मन यानी के नवीन उलग के ओवर में पारी के आठवें ओवर में रोहित शर्मा ने चौका जड़कर अपना 50 पूरा कर लिया। 30 गेंदों में ऑलमोस्ट 55 रन दोस्तों रोहित शर्मा के हो चुके थे। और 50 के बारे में तो छोड़िए, रोहित ने आगे चलकर एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। रन तो वो बना ही रहे थे, साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने एक और छक्का जड़कर क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब सबसे ज्यादा छक्के हमारे हिटमैन के नाम दर्ज हो चुके हैं। दोस्तों रोहित शर्मा ने आज दुनिया में वो कारनामा कर दिया है जो शायद ही अब कोई कर पाएगा, क्योंकि रोहित से पीछे इस लिस्ट में कोसों तक कोई भी नहीं है और आगे बस क्रिस गेल थे जो आज पीछे हो गए हैं। अब वो तो दोबारा आने से रहे और रोहित का रिकॉर्ड इस सदी में तो कोई तोड़ने से रहा। वाकई में दोस्तों आज हिटमैन का दिन है, उन्होंने चौके छक्कों की बारिश से सबका दिल भी जीता और मैच भी। दोस्तों अफगानिस्तान से जीत कर भारतीय टीम ने पॉइंट टेबल में सबको खदेड़ कर रख दिया है। भाई जीत ही कुछ ऐसी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली के मैदान में जहां साउथ अफ्रीका ने दुनिया का हाईएस्ट स्कोर बनाया वर्ल्ड कप का, वहां पर हमने अफगानिस्तान को बस 272 पर रोक दिया। वो तो दोस्तों अफगानिस्तान के कप्तान शाहिदी 80 रन बना भी गए और एक और खिलाड़ी अजमतुल्ला नाम के वो 62 रन बना गए, वरना किसी और को 20 से आगे की लक्ष्मण रेखा से बढ़ने ही नहीं दिया गया। हार्दिक पांड्या के नाम 3 विकेट रहे और बुमराह के नाम भी 8 विकेट पर इस टीम ने 272 जरूर बनाए, लेकिन एक खिलाड़ी ने ना लक्ष्य को आधे से ज्यादा चेस कर दिया था और वो थे हमारे कैप्टन रोहित शर्मा। दोस्तों रोहित का कहना था इस वर्ल्ड कप से पहले कि अगर 10 ओवर के अंदर आउट कर दिया तो ठीक है, वरना मैं सबको आउट करूंगा। और आज रोहित ने बिल्कुल वैसा ही किया। भाई 20 गेंदों के अंदर रोहित के 40 रन थे, 26 गेंदों के अंदर 50 पूरा हो गया, 56 गेंदों में शतक लग गया और जाते जाते दोस्तों रोहित 14 चौके 6 छक्के जड़कर 131 रन की पारी खेलकर गए। ईशान किशन ने भी अच्छी पारी खेली लेकिन विराट कोहली के बल्ले से निकले विनिंग रन्स। दोस्तों कोहली जनाब ने तो 56 गेंदों के अंदर ही 55 रन की पारी खेल डाली थी और विनिंग रन्स लगाकर अपनी टीम को पूरे 8 विकेट के अंतर से जिता दिया। लेकिन दोस्तों इसे कोई आम जीत मत समझिएगा। इस मैच में रोहित का शतक तो दिखाई, साथ ही रोहित कोहली का प्यार भी दिखा।
नवीन उलक और विराट कोहली के बीच में सारे मतभेद खत्म हो गए क्योंकि कोहली पूरे मैदान से कह रहे थे कि इनका मजाक मत बनाइए। लेकिन दोस्तों भारत से हार कर भी नवीन उलक ने अब इस बात पर खुलासा कर दिया है वो विराट कोहली से आखिरकार क्यों मिलने गए, क्यों वो उनके गले लगे और आखिरकार क्यों उन्होंने विराट के पैर भी छुए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मैच हारने के बाद और भारत के जीतने के बाद नवीन ने इस बात का खुलासा कर दिया है। आखिरकार नवीन ने अपने बयान में क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों नवीन उलक ने खास तौर पर विराट कोहली के लिए कहा, भारतीय क्रिकेट टीम के साथ खेलना हमेशा से ही एक गर्व की बात रहती है। ना सिर्फ हम बहुत कुछ सीखते हैं बल्कि उनके साथ वो अनुभव शेयर करने का मौका मिलता है जो शायद पूरी दुनिया के पास नहीं है। और खास तौर पर विराट भाई के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि वो एक लिविंग लेजेंड हैं। रोहित और विराट को एक साथ बल्लेबाजी करता हुआ देखना ही मेरे लिए कभी सपना हुआ करता था, और जो भी पहले हुआ मैं उसके लिए अपनी गलती को स्वीकार करता हूं। मैं जानता हूं कि विराट भाई ओहदे में कितने बड़े हैं, मुझसे पहले गलतियां हुई थी और आज जब मैं मैच में उनके पास गया तो उनका कहना केवल इतना था कि आप एक बेहतर खिलाड़ी हैं, अपने देश को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते रहिएगा। केवल एक महान खिलाड़ी और महान इंसान ही ऐसे शब्द कह सकता है, जिसके बाद मैं रोक नहीं पाया खुद को और उनसे माफ़ी मांगी उस बात की जो शायद होनी भी नहीं चाहिए थी। विराट कोहली वाकई में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे केवल सीखना चाहिए, जिनके बारे में बोलना कम उनके बारे में बताना ज़्यादा चाहिए। आज वाकई में एक बेहतर खिलाड़ी और बेहतर इंसान बनने का लेसन मिला है मुझे विराट और रोहित से, उम्मीद है ऐसे ही उनसे सीखता रहूं। दोस्तों नवीन उलक के ये शब्द चौंकाने वाले जरूर हैं, लेकिन ये सच है कि विराट और नवीन उलक के बीच में सब कुछ अब ठीक हो चुका है। दोस्तों मैदान में इतिहास रचना किसे कहते हैं ये रोहित शर्मा बखूबी जानते हैं। ऐसे ही नहीं, इन्हें रिकॉर्ड्स की मशीन और हिटमैन कहा जाता है। आज रोहित ने इन दोनों बातों को सिद्ध भी कर दिया है। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए रोहित शर्मा शुरुआती क्रिकेट के अपने दिनों में बहुत फेमस हुआ करते थे, और मानना पड़ेगा कि रोहित शर्मा वो दिन आज वापस लेकर आए हैं, वो भी वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में। 2019 का वर्ल्ड कप तो दोस्तों आपको याद होगा ना, रोहित ने 5 शतक लगाए थे। तैयार हो जाइए, इस बार उससे भी बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। आपको बताएं दोस्तों कि अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ हमारी गेंदबाजी बहुत ज्यादा कारगर थी, तभी दिल्ली जैसे मैदान में जहां पर अफ्रीका 400 के ऊपर रन बनाकर गया, वहां पर हमारे गेंदबाजों ने दोस्तों सबसे बढ़िया काम ये किया कि 3-3 विकेट बुमराह और हार्दिक पांड्या के नाम हो गए। इसके अलावा दोस्तों कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर और सिराज की परफॉर्मेंस तो काफी ज्यादा अच्छी थी ही। 272 पर दोस्तों हमने इस टीम को रोका और 273 का हमें टारगेट मिला। लेकिन यकीन मानिए, आज केवल रोहित शर्मा को अकेले बैटिंग करने को मिलती ना, वो 50 ओवर का इस्तेमाल करके 273 अकेले ही बना डालते, और उन्होंने दोस्तों इसे करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। दोस्तों रोहित शर्मा ने ईशान के साथ बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले तो मात्र 26 गेंदों के अंदर अपना 50 पूरा कर लिया था, और क्लियर हो चुका था वहां से कि रोहित शर्मा आज शतक लगाए बिना तो मैदान से बाहर नहीं जाएंगे। उससे पहले आपको शतक का रिकॉर्ड बताएं, उससे पहले आपको यह भी बता दें कि रोहित शर्मा ने 3 छक्के पूरे करते ही क्रिकेट के जगत में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का ऐतिहासिक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। और फिर रोहित शर्मा को कोई रोकने वाला था ही नहीं, क्योंकि दोस्तों विकेट्स की कमी थी नहीं, और रोहित शर्मा ने इन्हीं बैक टू बैक चौके छक्के को जारी रखते हुए पीछे मुड़कर देखा नहीं। उधर ईशान भी इनका भरपूर साथ दे रहे थे, लेकिन दोस्तों जिस चीज में मजा आ रहा था वो ये था कि रोहित शर्मा के आगे जो कोई भी आ रहा था वो चौके और छक्के ही खा रहा था। 48 गेंदों में रोहित शर्मा के 80 रन थे, आते आते ये 52 गेंदों में 88 बन गए, और जब 56 से 92 पर रोहित शर्मा पहुंचे ना तो मोहम्मद नबी के ओवर में चौका लगाकर रोहित शर्मा अपने आप को शतक के और करीब ले आए, और फिर आया वो सुनहरा लम्हा। दोस्तों नबी के द्वारा डाले जा रहे 18वें ओवर में रोहित ने 1 रन लेकर अपना शतक पूरा कर लिया, और इसे कोई मामूली वर्ल्ड कप में लगाया गया शतक मत समझिएगा। दरअसल दोस्तों रोहित शर्मा ने सचिन के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जो शायद ही कोई कभी तोड़ पाएगा। देखिए दोस्तों वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में खेलने का ही मौका सालों में कितना मिल जाता है, 1 या 2 बार, लेकिन रोहित ने 2 बार में सचिन को पीछे कर दिया। दोस्तों सबसे तेज 7 सेंचुरी लगाने वाले वनडे वर्ल्ड कप में पहले खिलाड़ी अब रोहित शर्मा है, पहले सचिन हुआ करते थे। पिछली बार 5 सेंचुरी लगाई थी, और इस बार भी ये वाली सेंचुरी लगाकर रोहित ने रिकॉर्ड में अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज करा लिया। दोस्तों ये है रोहित शर्मा की ताकत, जो उसके बाद भी थमी नहीं, रुकी नहीं। और रोहित शर्मा मुकाबले को T20 तो बना ही चुके थे, 19 ओवर में हमारे लगभग 170 रन थे, जीत हमारे कदम चूम रही थी और रोहित रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे थे। दोस्तों रोहित की पारी को पूरी दुनिया के दिग्गज सलाम कर रहे हैं, विराट कोहली भी खड़े होकर ताली बजा रहे थे, क्योंकि जब रोहित शर्मा चलते हैं ना तो अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच का मुकाबला अपने आप में बहुत ज्यादा रोमांचक था।
भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन इतना ज्यादा दमदार था कि माना कि अफगानी टीम की तरफ से कप्तान शाहिद ने 80 रन बना दिए और एक और खिलाड़ी थे अजमतुल्ला जिन्होंने 62 रन बनाए, लेकिन और कोई ना 20 रन से आगे बढ़ नहीं पाया और अल्टीमेटली हमें टारगेट मिला 273 रन का। अब टारगेट को तो छोड़िए, रोहित शर्मा के आंकड़ों पर नजर डालिए। दोस्तों रोहित शर्मा ने इस मैच में जो शुरुआत की ना वो T20 मैचेस में भी नहीं होती। हमारे 6 ओवर में ऑलमोस्ट 70 रन हिट हो चुके थे जिसमें हिटमैन के 23 गेंदों में ऑलमोस्ट 40 रन थे, 26 गेंदों में उनका 50 पूरा हो गया और दोस्तों मात्र 56 गेंदों के अंदर इस खिलाड़ी ने अपना शतक भी पूरा कर दिया। 84 गेंदे होते हुए दोस्तों रोहित ने 16 चौके 5 छक्के जड़कर 131 रन बना दिए। उधर ईशान भी 47 रन बना गए थे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 131 रन पर जैसे रोहित आउट हुए ना, मैच तो हम जीत चुके थे क्योंकि चाहिए थे 25 ओवर में 70 रन जो कि कोहली सिंगल हैंडेडली आगे चलकर जिताने वाले थे। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा के शतक की कीमत कौन समझ सकता है विराट कोहली से बेहतर, और जब ये खिलाड़ी 150 से मात्र 19 रन पहले मैदान से बाहर जा रहे थे ना आउट होकर, दोस्तों रोहित शर्मा को गले लगाकर भावुक हो गए थे विराट कोहली। सारे काम छोड़कर विराट ने उन्हें गले लगाया, उनके सर पर हाथ रखा, उनकी पारी को सराहा, उनकी तारीफ करी। भाई इससे बेहतर जेस्चर क्या हो सकता है। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में लड़ाइयों की रूमर होती थी, लेकिन विराट का यह जेस्चर वाकई में दिल जीत गया। और उससे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि नवीन उलहक जिन्हें विराट कोहली का दुश्मन कहा जाता था, जो कभी विराट के खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत कुछ बोला करते थे, आज वही नवीन उलहक विराट कोहली से गले मिलते नजर आए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वाक्य घटा पारी के एक ओवर में। जब विराट के सामने से गुजर रहे थे दोस्तों नवीन उलहक, तो वो खुद ब खुद आए विराट से मिले और विराट ने भी हंसकर उन्हें गले लगाया, उनसे हाथ मिलाया और उसके बाद काफी देर तक हंसते भी रहे, क्योंकि वो जानते थे कि किसी खिलाड़ी को माफ करना सबसे बड़ा कर्तव्य होता है और यही एक बड़े खिलाड़ी की पहचान भी होती है। दोस्तों विराट ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैदान में धोनी किया करते थे। आज वाकई में विराट ने अपने जेस्चर से दिल जीता है। पारी तो उन्होंने खेली 50 वाली, लेकिन उनकी ये हरकतें दिल जीतने वाली थी और ये वाकई में जीत के जश्न में दिखी भी। अब आप सभी विराट की हरकतों पर उन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे, दिल खोलकर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।